टॉकिंग अबाउट द लाहौर सेशन ऑफ 1929, तो उसमें क्या बोलते हैं, नेहरू रिपोर्ट में विल आस्क फॉर दिस डोमिनियन स्टेटस, और एक साल में अगर नहीं मिला तो हम फिर इसके बाद हम डोमिनियन स्टेटस की बात नहीं करेंगे, ठीक है, वी विल ओनली टॉक अबाउट कंप्लीट इंडिपेंडेंस. तभी जब होता है, जब अगस्त ऑफर आता है 1940 का, वर्ल्ड वॉर टू के टाइम, तो वो क्या बोलते हैं, हम डोमिनियन स्टेटस देंगे. तो गांधी जी क्या बोलते हैं, पोस्ट डेटेड चेक, मतलब हमने कब तक ना डोमिनियन स्टेटस की डिमांड कितने पहले की थी, अब डोमिनियन स्टेटस दे रहे हो. 1929 से हमेशा डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस की रही है. जैसे लॉन्गेस्ट, अब फिर नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928 ने क्या क्या डिमांड रखी थी, इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है. एक तो इन्होंने बोला था कि जो स्टेट्स बनेगी वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनेगी, जैसे इंडिया में भी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 का, आजादी के बाद, लिंग्विस्टिक बेसिस पे सबसे पहले कौन सी बनी थी, यहाँ पे हमारा आंध्र प्रदेश बना था, आंध्र आंध्रा प्रदेश. लेकिन अगर आजादी से पहले देखे तो लिंग्विस्टिक बेसिस सबसे पहले बनी थी उड़ीसा 1936 में, ठीक है. तो यहाँ पे इस तरीके से इन लोगों ने डिमांड की थी लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स बने, और फेडरल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और फंडामेंटल राइट्स की बात की थी. और मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंटेशन, मुस्लिम लीग ने बोला था हमें सेंटर पे 1/3 रिप्रेजेंटेशन चाहिए, एंड सेपरेट इलेक्टोरेट हम नहीं मान, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट को मान लिया था कि हमने मना कर देंगे, रिजर्वेशन लेंगे. लेकिन फिर मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी वो अनरीजनेबल थी, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहते थे कि जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी में माइनॉरिटी में वहां पे उनको रिजर्वेशन दो, और जहां पे वो मेजोरिटी में वहां पे माइनॉरिटी को रिजर्वेशन मत दो, मतलब वहां पे भी मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन दो, रिजर्वेशन दो, ठीक है, मतलब जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी में वहां पे भी माइनॉरिटी को वहां पे रिप्रेजेंटेशन नहीं दो, लेकिन जहां पे वो माइनॉरिटी में. तो कुछ ऐसी अनरीजनेबल डिमांड्स थी जो नहीं मानी जा सकती थी. तो इसलिए ये फिर इसके बाद ही, ये नेहरू रिपोर्ट 1928 के बाद, इससे पहले जो जिन्ना थे उन्हें लिबरल माना जाता था, इसके बाद वो अपने 40 पॉइंट्स देते हैं जिन्ना कि मेरी ये सारी 14 पॉइंट की डिमांड, हमें सारे 14 पॉइंट जानना जरूरी नहीं है, अनलेस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पाकिस्तान सिविल सर्विसेज. तो 14 पॉइंट्स ये देते हैं कि ये सब मानो, एंड ही बिकम्स टू रेडिकल आफ्टर दिस, यू नो, दिस नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928. फिर यहाँ पे आता है मे, ठीक है. तो उस टाइम क्या होता कि हमारा जो 1905 का स्वदेशी रिजोल्ट जो हो रहा था ना, स्वदेशी रिजोल्ट क्या कहते हैं, स्वदेशी रिवोल्ट, तो किस किस मूवमेंट चीज या किससे इंस्पायर्ड था. एक तो मेजी रिस्टोरेशन ऑफ 1860, मेजी रिस्टोरेशन जापान का फुल रिस्टोरेशन हुआ था इसके अंदर, ठीक है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा. और एक छोटे से जापान ने 1905 में रशिया को हरा दिया था. और मेजी रिस्टोरेशन में जापान इतना छोटा सा कंट्री बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज हो गया था, ठीक है, मेजर रेस्टोरेशन, उससे काफी इंडियन इंस्पायर हो कि हम भी इंडस्ट्रियलाइज हो सकते हैं, और रशिया को इतनी बड़ी कंट्री को हरा देना एक छोटी सी एशियन कंट्री के द्वारा, तो इट वाज आल्सो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अस. देन सीपीआई हमने देखा था ताशकंद में एस्टेब्लिश हुई थी 1920 में, राइट, एम एन रॉय, ठीक है ना, सेकेंड कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, एक सेकेंड कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, ठीक है, काफी 7 कम्युनिस्ट इंटरनेशनल हुई थी 1919 से लेके अराउंड 1943 तक, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट किया था, उसमें थर्ड या सेकंड में इन्होंने ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाई थी. फिर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी इसी टाइम स्टैब्लिश होती है, ठीक है, इन 1920 बाई लाला लाजपत राय, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस. फिर सीपीआई एक बनाई जाती है, सत्यभक्त, ये अलग से सीपीआई बनाते हैं कानपुर में, ठीक है, इनका नाम है सत्यभक्त. तो एक ही आ सकता है, 1924 में जो कानपुर में सीपीआई बनाई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये बनाई थी भाई, था सत्यभक्त, इनके बारे में अलग से लिखा है, टेल यू, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, ये सीपीआई ही का ही पार्ट था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 का, इसके प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय. फिर दिल्ली तलवार होता है 1877 में, ठीक है, एंड विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया को बोला जाता है क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया. 3 बार दिल्ली दरबार लगते हैं. डू यू अंडरस्टैंड हाउ वी आर अप्रोचिंग इट, वी आर जस्ट यू नो सीइंग द फैक्ट्स, नो थिंग्स दैट हैपेंड, जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का बनी, इट वॉज फॉर्मिंग 1920s, एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट वॉज लाला लाजपत राय, एंड इज अ विंग ऑफ सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये मान लो कि ना वर्कर्स के राइट की बात करेगी, मतलब ट्रेड यूनियन बन गया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, फेमस ट्रेड यूनियन. देन दिल्ली दरबार 1877 में होता है, तो इस टाइम लिटन लिटन यू नो करवाता है, तो उसको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि इस टाइम क्या चल रहा था, फेमाइन चल रही थी, और बहुत सारे लोग फेमाइन में मर रहे थे, और यहाँ पे लोग दिल्ली दरबार में यू नो इन्वॉल्व हो रहे थे, तो इसलिए क्या होता है, और यहाँ पे विक्टोरिया, जो क्वीन विक्टोरिया को बोला जाता है क्वीन इंप्रेस ऑफ इंडिया, लिटन वॉज क्रिटिसाइज, तभी ये इस टाइम लेके आते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये क्रिटिसाइज करने के लिए. और इसमें क्या था, इसके एग्जीक्यूटिव एक्शन अगर लिया जाता है, तो इसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं थी, अभी कोई भी लॉ आता है
और अगर गवर्नमेंट आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन भी लेती है तो उसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे फैल नहीं जाए, तो यहाँ पे कोई भी अपील अलाउड नहीं थी, ठीक है। तो ये तो इसको यही बोला जाता था, नो अपील नो दलील नो वकील, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1877। देन आर्म्स एक्ट आता है 1878 का। आर्म्स एक्ट में क्या था कि इंडियंस को लाइसेंस की जरूरत है अगर अगर आर्म्स रखने हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स के लिए नहीं था, तो ये भी बहुत डिस्क्रिमिनेटरी था। ये भी लिटन के टाइम आता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1978 एंड आर्म्स एक्ट 1978। और ये क्या करते हैं लिटन, सिविल सर्विसेज की एज 21 से 19 ईयर का। एडम्स एक्ट है ना, एडम्स नहीं, एडम्स एक्ट 1823 का था, वो अलग था, जिसमें जो राजा राम मोहन रॉय का न्यूज़पेपर था ना वो पकड़ा गया था। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बहुत अलग है, ठीक है। एडम एक्ट नहीं, आर्म्स एक्ट ही अलग है। आर्म्स एक्ट 1978, ये आप बंदूक बंदूक नहीं रख सकते, आर्म्स नहीं रख सकते विदाउट लाइसेंस, इट वॉज ओनली फॉर इंडियंस। देन सिविल सर्विसेज की एज ये 21 to 19 ईयर्स कर देते हैं, ठीक है। एंड इसको इंडियन एसोसिएशन बहुत ही बढ़ चढ़ के मुद्दा उठाता है, बिकॉज सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, दे वर यू नो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट। फिर इल्बर्ट विल कॉन्ट्रोवर्सी होती है, ठीक है, 1833 में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि इल्बर्ट विल बिल लेके आते हैं कि इवन जो इंडियन जज हैं वो यूरोपियंस को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अपोजिशन होता है तो उसका मेन क्रक्स होता है उसे न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। मतलब जो ज्यूरी होगी उसमें यूरोपियन मेजोरिटी होगी, मतलब चलेगी यूरोपियन की, तो जो क्रक्स होता है उसे न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत अपोजिशन आता है। फिर जो उस टाइम रिपन होते हैं, लॉर्ड रिपन, वो भी रिजाइन कर देते हैं अपोजिशन झेलने के बाद। बट इट वॉज अ आई ओपनर फॉर इंडियंस, ब्रिटिश विल नेवर डू समथिंग बेटर फॉर इंडिया। फिर नाउ विल टॉक अबाउट दिस, ओके, सो वेयर वी, ओके, सो वी हैव सीन पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस एंड वी हैव सीन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव एग्जीक्यूटिव बिकॉज ऑफ सॉन्डर्स मदर केस, ठीक है। एंड INA रेड फोर्ट ट्रायल देख चुके हैं, इसमें कौन थे, शाहनवाज, ढिल्लों एंड शेगल, प्रेम शेगल। एंड नाउ विल टॉक अबाउट दिस इम्पोर्टेंट गाय, विठल भाई पटेल, ठीक है, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये किसके भाई है बताओ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के, वल्लभ भाई, हाँ। एंड ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ही बिकेम द फर्स्ट स्पीकर और लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद ये फर्स्ट स्पीकर बनते हैं, फर्स्ट इंडियन स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज विठल भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई थे, ठीक है। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग कौन बनाता है, देखो 1928 में क्या होता है, नेहरू रिपोर्ट आती है, ठीक है। तो जो लिबरल फैक्शन होते हैं जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ये अलग से अपना इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाते हैं कि हमें इंडिपेंडेंस डिमांड करनी है, फुल इंडिपेंडेंस, और 1928 के अराउंड, ऑलराइट। तो यहाँ पे एक और दूसरी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है जो एक राजबिहारी बोस ने भी बनाई थी, ठीक है, दोनों के नाम आ सकते हैं, राजबिहारी बोस भाई 1928, एंड यहाँ पे इसी के साथ जुड़े हुए थे सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू। तो ये क्या चाहते थे कि ओके ब्रिटिश कोलोनियल रूल हट जाए, ठीक है, एंड जो इंडिया के बाहर रह रहे हो उनके सपोर्ट मिले, एंड सो ये था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड वॉज फाउंडेड 1928। तो क्वेश्चन आता है कि इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ लीग किस एग्रीमेंट के अपोजिशन में लॉन्च हुई थी, बिकॉज ये जो नेहरू रिपोर्ट थी वो क्या कर रही थी, डोमिनियन स्टेटस, कि हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो, लेकिन जो जो यंगर एलिमेंट्स है लाइक सुभाष चंद्र बोस एंड अपने एंड जवाहरलाल नेहरू, ये लोग नहीं चाहते थे कि हम डोमिनियन स्टेटस मिले, ये चाहते थे फुल इंडिपेंडेंस मिले। तो उसी के अपोजिट ये इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, कि हमें पूरा इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एस्टैब्लिश की थी, ठीक है। इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे, इस किसने बनाया था, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, एस श्रीनिवास अयंगर। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट याद रखना, इंडियन फॉर इंडिपेंडेंस लीग कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, एंड इसके सेक्रेटरीज थे एंड एस श्रीनिवास अयंगर वर इस प्रेसिडेंट। तो ये तो याद रहता, इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस लीग सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू ने बनाया, लेकिन इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, श्रीनिवास अयंगर, हु वॉज ही। तो श्रीनिवास अयंगर ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर का एग्जीक्यूटिव का मेंबर बनना बड़ी बात थी, आज भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर बनना बड़ी बात थी। तो उसके मेंबर थे मद्रास में, एंड ऑलराइट, सो ही वाज देयर, एंड यही प्रेसिडेंट थे उसके इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, तो याद रखना एस श्रीनिवास अयंगर। एंड देन वी विल टॉक अबाउट दिस, ओके, तो एक अभी न्यूज में थे राजा महेंद्र प्रताप, और ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है बिकॉज अफगानिस्तान में अभी तक तपलट हो रहा है, ठीक है। उस टाइम इन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की थी काबुल में, राजा महेंद्र प्रताप एक जाट थे, ठीक है।
इन्होंने एक्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, ये कभी काफी न्यूज में, तो करंट अफेयर्स में भी आ जाएगा, अफगानिस्तान काफी न्यूज चैनल इनको दिखा रहे थे। तो ये थे राजा महेंद्र प्रताप 1886 to 1979, मतलब आजादी के बाद भी काफी सालों तक रहे, ठीक है। जाट लीडर थे इन्होंने जो, ओके तो जो एएमयू है, लीगल मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सब जानते सर सैयद अहमद खान को, लेकिन इन्होंने अपनी जमीन यू नो गिरवी दी थी दान में उस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश करने के लिए। तो इनका ये भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, और इन्होंने फॉरन में अपनी गवर्नमेंट इन एग्जाइल इस्टैब्लिश की थी, और अब्दुल्ला सिंधी को इन्होंने मतलब उस गवर्नमेंट में मेंबर भी बनाया था, मतलब मुस्लिम्स को भी इन्वॉल्व किया था अब्दुल्ला सिंधी। सो नाउ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, वी हैव ऑलरेडी सीन ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन इंडिया में। ट्रेड यूनियन क्या है, जिसमें वर्कर्स एक साथ आ जाते हैं मैनेजमेंट के साथ लड़ने के लिए या अपनी यू नो राइट्स बनवाने के लिए। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस फर्स्ट जो ट्रेड यूनियन थी, इसके फर्स्ट कौन थे, लाला लाजपत राय, ठीक है, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय एज फर्स्ट प्रेसिडेंट। एंड यहाँ पे कौन कौन थे, लाला लाजपत राय, जोसेफ बाप्टिस्टा, एन एम जोशी, दीवान चमन चमन लाल, ठीक है, ये इसके मेंबर थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। एंड ये एसोसिएटेड थी विद द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये है बॉम्बे में बनी थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन इंडिया। एंड इसमें थे लाला लाजपत राय, जोसेफ बाप्टिस्टा, एन एम जोशी, दीवान चमन चमन लाल। एंड 1920s में ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन इंडिया। देन सत्यभक्त, हमने देखा था सत्यभक्त कौन थे, 1924 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन्होंने बनाई थी सत्यभक्त। एंड इनका नाम था ओरिजिनल नेम चखन लाल, फिर उन्होंने अपना नाम सत्यभक्त रख दिया। एंड ओके ओके एंड इंडियन नेशनलिस्ट बने, तो इन्होंने आनंद मठ पढ़ी थी। आनंद मठ किसने लिखी थी, एनीबडी कैन सजेस्ट, आनंद मठ, आनंद मठ हाँ बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, यही से वंदे मातरम आया राइट अपना सॉन्ग। तो आनंद मन बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी। रिवोल्ट के टाइम पे क्या, इंडो को रिवोल्ट, सन्यासी रिवोल्ट के टाइम पे लिखी थी। ओके आनंद मन सन्यासी, और इंडो को रिवोल्ट पे कौन सी थी, नील दर्पण, ठीक है, नील दर्पण। और ये किसने लिखी थी, ये सीरियल था हाँ, ये लिखा था नील दर्पण यार, वो डी से शुरू होता है ना, डी दिगंबर विश्वास, नहीं 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 डी से नहीं, दीन बंधु मित्रा, इट वाज रिटन बाय दीन बंधु मित्रा, बंधु हाँ, दीन बंधु मित्रा से बंगाली प्ले, तो नील दर्पण ये जो इंडिगो फ्लाइट उसके लिए लिखा गया था। ऑलराइट, तेरे वंदे मातरम कहाँ से लिया है, आनंद मठ से लिया, आई थिंक इज इट आनंद मठ से, या एंड आनंद मठ वाज वही बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ इज अ प्ले, आनंद मठ तो सन्यासी रिवोल्ट पे लिखा गया था। एंड ये जो है वंदे मातरम, दीन नील दर्पण वाज दीन बंधु मित्रा, वंदे इट वाज फॉर द सन्यासी रिबेलियन, राइट, प्ले था जिसको ब्रिटिशर्स ने बंद करवा दिया था बाद में। ऑलराइट आनंद मठ, सो ये बंगाली नोबल थी ना आनंद मठ, वहां से लिया है हमने वंदे मातरम। ओके एंड वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑलराइट सो वेयर वर वी, तो सत्यभक्त इन्होंने सीपीआई का फाउंड लाइक फाउंड किया था 1925 में कानपुर में, ठीक है, ये दूसरा सीपीआई है, और एक दूसरा सीपीआई है जो किसने फाउंड किया था, अपने एम एन रॉय ने, ये कानपुर वाला है, किसने फाउंड किया था, सत्यभक्त ने। और ये दूसरी सीपीआई बनी थी ताशकंद में, बनी थी लाइक इंडिया की थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, लेकिन ताशकंद में स्टैब्लिश हुई थी, तो वहीं पे कम्युनिस्ट का यू नो एक तरीके से गठन था। ऑल इंडिया किसान सभा ये किसने बनाई थी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ भी चुका है, ऑल इंडिया किसान सभा, ठीक है, 1936 में बना था भाई सजानंद सरस्वती। ओके 1936 ऑल इंडिया किसान सभा उस फॉर्म पे सजानंद सरस्वती 1936। एंड ओके एंड ये भी एसोसिएटेड थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का पीजेंट प्रिंट, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ किसके लिए काम बात करी, वर्कर के लिए एंड पीजेंट्स के लिए, ठीक है, लाइक लोअर क्लास के लिए। तो वर्कर के लिए क्या था हमारा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो बन गई थी 1920s में, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय। एंड पीजेंट्स के लिए थी अपनी ऑल इंडिया किसान सभा, ठीक है, ये बनी थी 1936। और इसके कौन थे, इसके कौन एसोसिएटेड थे, सजानंद सरस्वती, याद ना ऑल इंडिया किसान सभा सजानंद सरस्वती Peasant movement was led by this and it was Peasant Front of Communist Party of India, All India Kisan Sabha. Naam to bahut lag raha All India Kisan Sabha, lekin bahut violent struggle rehta hai inka. To ye Sajanand Saraswati the.
और नाम भी सरस्वती है लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी से इन्वॉल्व है, मतलब कहीं ना कहीं वायलेंट रिवॉल्यूशन होगा इनका ऑल इंडिया के साथ सभा इन 1936 बाय सज्जनानंद सरस्वती. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैन बी फॉर्म्ड एंड वाज अ पीजन फ्रंट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी. वायलेंट क्यों? क्योंकि कम्युनिस्ट कम्युनिज्म वायलेंस आता, कम्युनिज्म के साथ वायलेंस आता ही है. ऑलराइट, तो ये इंडियाज पीपल थिएटर एसोसिएशन, ये बना था 1943 में, ओल्डेस्ट थिएटर आर्टिस्ट इंडिया, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ ओल्डेस्ट थिएटर आर्टिस्ट, ठीक है, इंडिया पीपल्स यू नो थिएटर एसोसिएशन. तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड थीम्स थी, उसको डिस्कस किया जाता था यहाँ पे, बॉम्बे में बना था कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया थिएटर, ओल्डेस्ट थिएटर एसोसिएशन इंडिया में 1943 वाज फॉर्म्ड, 19 लाइक क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम बना है, तो इसने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. या इसका याद रखना कब बना था, बॉम्बे ऑल इंडिया पीपल्स थिएटर एसोसिएशन. देन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये बनती है 1934 में. इसका रीजन क्या था बनने का, देखो इसमें कौन कौन से, जेपी नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी एंड आचार्य नरेंद्र, इनके नाम आ सकते हैं कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में बनी थी, इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, जेपी नारायण, मीनू मसानी एंड आचार्य नरेंद्र, ठीक है. तो क्या हुआ कि 1934 में क्या होता है, जो सिविल डिसऑबिडिएंस मूवमेंट है कब तक चलता है, 1930 to 1934, ठीक है, दो फेज में चलता है, ठीक है, एक बीच में ब्रेक भी लगता है. ब्रेक क्यों लगता है बताओ, कैन एनीबडी टेल, आई टेल यू क्या होता है कि 1930s में सिविल डिसऑबिडिएंस मूवमेंट स्टार्ट होता है, क्योंकि क्या होता है, वो बोलते हैं कि गांधी जी अपनी 11 डिमांड रखते हैं, कि हमारी 11 डिमांड मान लो, ठीक है, जिसमें से एक सॉल्ट टैक्स की भी डिमांड थी, सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करना. लेकिन क्या करते हैं, ठीक है, ये सब इनकी डिमांड पूरी नहीं की जाती, तो गांधी बोलते हैं कि मैं सिविल डिसऑबिडिएंस मूवमेंट लॉन्च करूंगा, लॉन्च कर देते हैं. और फिर जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, तो इनकी डिमांड होती है कि मतलब सारे, हमें ज्यादा प्रेफरेंस दी जाए कांग्रेस को, क्योंकि हम सब सारे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते. फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इनसे बोला जाता है पार्टिसिपेट करो, तो फिर गांधी जी मान जाते हैं. सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी इरविन पैक्ट होता है इस टाइम, तो इरविन मना लेते हैं कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करो. तो बस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऐसी होती है कि शादी हो रही है जिसमें दूल्हा ही नहीं आया, गॉट इट, बिकॉज कांग्रेस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, विदाउट कांग्रेस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई यू नो वैल्यू नहीं रहती है. तो इसलिए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ब्रिटिशर चाहते थे कांग्रेस में पार्टिसिपेट करे, तो इसलिए गांधी इरविन पैक्ट होता है. इसमें क्या होता है, सारे पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज कर दिया जाता है, और सॉल्ट टैक्स को क्या कर दिया जाता है, ठीक है, सॉल्ट टैक्स तो रहता है, लेकिन बोलते हैं कि जो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप यू नो जो नमक के आसपास जगह में रहते हैं वो बना सकते हैं, ठीक है, पहले तो ये भी अलाउड नहीं था. और थर्ड, ये जो बात करते हैं भगत सिंह की, कि उनको यू नो लाइफ इंप्रिजनमेंट में चेंज कर दिया जाए, वो मानी नहीं जाती. और गांधी जी बोलते हैं कि जो पुलिस की एक्सेसेस है सिविल डिसऑबिडिएंस मूवमेंट में, बहुत ज्यादा मारा था इन लोगों ने, पकड़ पकड़ के मारा था, तो उन्होंने बोला कि जो आपकी पुलिस एक्सेसेस है उन पर ना आप कमिटी बनाओ, उनको देखो. तो ये भी इरविन ने नहीं माना, बहुत ही कम डिमांड मानी थी एंड गांधी ही मान गए. तो सिविल डिसऑबिडिएंस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है फॉर द टाइम बीइंग. सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलता है. फिर आते हैं गांधी इंडिया में, फिर 1932-34 फिर से चलता है सिविल डिसऑबिडिएंस मूवमेंट, 1934 में खत्म होता है. ऑलराइट, तो जब ये सिविल डिसऑबिडिएंस मूवमेंट जब खत्म होता है, तब हमारी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 की बनती है. तो उसके मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट, जेपी नारायण, मीनू मसानी एंड आचार्य नरेंद्र. तो ये वही जेपी नारायण है जो 1975 के अराउंड इमरजेंसी से पहले इंदिरा गांधी के अगेंस्ट रिवोल्ट करते हैं, ठीक है, जेपी रिवोल्ट. क्या जेपी नारायण, मीनू मसानी एंड आचार्य नरेंद्र बनाते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ऑफ 1934, ठीक है. तो काफी जो सिविल डिसऑबिडिएंस मूवमेंट के बाद बहुत सारे लीडर्स को यू नो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जेल में डाल दिया था, ठीक है. और काफी कुछ ऐसे लोग मेंबर थे आईएनसी के जिन्हें गांधी जी बड़े पसंद नहीं थे, ठीक है, ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पसंद थी, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सेक्टेरियन एटीट्यूड रखती थी. सेक्टेरियन एटीट्यूड, या तुम पीजेंट को फेवर करेंगे, वर्कर को करेंगे, पूरे सोसाइटी को लेके एक साथ नहीं चलती थी, ठीक है, और भी तो लोग हैं सोसाइटी में. तो इसलिए ना इन्हें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पसंद थे, ना ही गांधी जी की अप्रोच थी, क्योंकि वो फेल कर रही थी, कोई भी ना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, ठीक है. तो ये सपोर्ट करते फेबिनियज्म, ठीक है, फेबियनिज्म और मार्क्सिज्म लेनिनिज्म. फेबियन, इवन जो नेहरू है उसे फेबियन बोला जाता है. फेबियन का मतलब क्या होता है, सोशलिज्म, ठीक है, प्लस डेमोक्रेसी. तो इंडिया में क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, उसे बोलते हैं फेबिनियज्म. ओके, यहाँ पे जैसे इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ओके, सो ये होता है. एंड मार्क्सिस्ट लेनिनिज्म, एंड ये चाहते थे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म आए, ठीक है,
तो जैसे जवाहरलाल नेहरू भी बांध सकते सोशलिस्ट पे बिकॉज ही बिलीव इन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, एंड ये चाहते थे कि डेमोक्रेसी से हम सब कुछ रिवॉल्व करें ना कि रिवोल्यूशनरी ओवर थ्रो। कम्युनिस्ट क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशनरी सबको उखाड़ के फेंक दो, ठीक है, कम रिवोल्यूशन होना चाहिए, लाल सलाम और ये सब वायलेंट वो सब नहीं बांधते थे ये लोग। ये बोलते थे डेमोक्रेसी का यूज करके हम कर सकते हैं। तो इसमें कौन थे, जेपी नारायण, मिले राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, यूसुफ देसाई, ठीक है, नासिक जेल में मिले, ठीक है, अब ठीक है जी, इन सबको जेल हो गई थी सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट में, तो ये सब लोग जेल में मिले, ठीक है, गांधी से हैप्पी नहीं थे, ओके एंड ओके 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 क्या होता है कि जब सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट बहुत अच्छा चल रहा था और उस टाइम गांधी जी विद्रॉ कर लेते हैं सिविल राउंड, लेकिन विद्रॉ कर लेते हैं इन द सेंस कि ठंडे बस्ते में डाल देते हैं एंड चले जाते हैं वहाँ पे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने, तो ये सब पसंद नहीं आता इन लोगों को, ठीक है। सोशलिस्ट पार्टी और गांधी जी अपोजिट डायरेक्शन में थे, इवन ये कम्युनिस्ट पार्टी को भी पसंद नहीं कर सकते, ठीक है। जेपी नारायण ने क्या बोला, गांधी ने अपना पार्ट प्ले कर लिया, ठीक है, अब हम और ज्यादा इसको नहीं कैरी कर सकते, ठीक है, एंड वी शुड बी गाइडेड बाय आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म। तो यूपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन है कि किसने ये बोला था, तो कुछ स्टेटमेंट लिख के दे देंगे प्रीलिम्स में, गांधी जी प्ले हैज प्लेड अ पार्ट, इट कैन नॉट कैरी इट फर्दर एंड हेंस वी मच मार्च एंड गाइड बाय आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म। ये किसका स्टेटमेंट है, चार पांच आंसर दे देंगे, फेमस रिमेंबर में जयप्रकाश नारायण ने बोला था। महात्मा गांधी ने क्या बोला, ही वॉज अगेंस्ट द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, एंड महात्मा गांधी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को पसंद नहीं करते, ना कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गांधी को पसंद कर रही है ना गांधी पसंद कर रहे हैं। मेड इट क्लियर दैट कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गेन्ड असेंडेंसी इन कांग्रेस एंड ही वुड रिमेन इन द कांग्रेस, ही वुड नॉट अप्रूव ऑफ क्लास वर एक्सप्रोप्रिएशन एंड एंड वायलेंस। अच्छा ठीक है, इन्होंने बोल दिया था, इन्होंने गांधी जी ने बोल दिया था कि अगर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी रहेगी तो मैं छोड़ दूंगा कांग्रेस, ठीक है, उन्होंने बोला कि वॉर और ये सब मेरे को पसंद नहीं है। ऑलराइट, तो 10 मिनट ही के चलाया उदय, आर यू ओके विद इट? दोबारा नहीं भेजती, ऑल राइट, मैंने भेजो है, कर लेते हैं। कृष्णवीर विल टेल, कृष्णवीर चलो, मेंबर वाज लाइक यू नो जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ये लेफ्टिस्ट थे, ठीक है, ये सपोर्ट कर रहे थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, लेकिन उन्होंने कभी ज्वाइन नहीं किया क्योंकि गांधी जी अपोज कर रहे हैं, तो तुम्हें पता ही है गांधी जी अपोज करेंगे तो वो चीज सफल नहीं हो सकती, तो इसलिए इन्होंने सपोर्ट तो किया लेकिन डायरेक्टली ज्वाइन नहीं किया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को, नहीं तो डिवीजन आ जाता, ठीक है। तो सोशलिज्म के सपोर्ट थे जवाहरलाल नेहरू ने, इनको 1936 के जब लखनऊ सेशन हुआ था आईएनसी का, तो इन्होंने बुलाया सोशलिस्ट को बुलाया, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था, ये स्टेटमेंट पूरा दे सकते हैं यूपीएससी में, फेमस रिमेंबर, जवाहरलाल नेहरू ने बोला था 1936 में लखनऊ सेशन में, तो उसने क्या बोला था, आई सी नो वे ऑफ एंडिंग द पॉवर्टी वास्ट अनएम्प्लॉयमेंट डिग्रेडेशन एंड सब्जुगेशन ऑफ इंडियन पीपल एक्सेप्ट थ्रू सोशलिज्म। मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट डिग्रेडेशन है, इंडियन पीपल का सब्जुगेशन हो रहा है, इसको खत्म नहीं कर सकते सोशलिज्म के अलावा कोई और तरीका ही नहीं है। इट इन्वॉल्व्स वास्ट रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन आवर पॉलिटिकल सोशल स्ट्रक्चर, रिवोल्यूशनरी चेंजेस चाहिए, एंडिंग वेस्टेड इंटरेस्ट इन द लैंड एंड इंडस्ट्री एज वेल एज फ्यूडल ऑटोक्रेटिक इंडियन सिस्टम। मतलब वही जमींदारी के अगेंस्ट एंड जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जैसे कैपिटलिज्म उसके अगेंस्ट बात की थी, दिस मीन्स एंडिंग प्राइवेट प्रॉफिट सिस्टम बाई हाईएस्ट आइडियल्स ऑफ कोऑपरेटिव सर्विस। वो बोलते थे प्राइवेट प्रॉफिट को हटाओ एंड हाईएस्ट आइडियल्स लेके आओ कोऑपरेटिव सर्विस। हाँ तो ये मतलब ये याद रखना है किसका स्टेटमेंट था, ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट था। ऊपर दिस इज जस्टिफायबल नो, बैक देन मतलब आई गेस सोशलिज्म वाज नीडेड, सही है ना? सोशलिज्म हर्टेड इंडियन इकोनॉमी मोर देन इट हेल्प, यू ऑलरेडी नो, बिफोर लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन इंडिया वाज बैकवर्ड, यू नो सोशलिज्म वर्क नहीं करता है। अगर देखा जाए फ्री मार्केट इकोनॉमी, जब तक यू नो सोशलिज्म में क्या है, यू नो लाइसेंस राज और तो पता है करप्शन कितना ज्यादा होता है, यू कैन नॉट सपोज आइडिया बहुत अच्छा है, इट रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ आइडियलिज्म, या वो नहीं होता है सोशलिज्म टू वर्क, या आइडियलिज्म आइडियल आइडियलिज्म आइडियल सोसाइटी में काम करता है, बट आवर सोसाइटी इज नॉट आइडियल। 1934 में क्या होता है, far from idealized, yeah you're right, so 1936 mein kya hota hai, Jawaharlal Nehru ne Congress socialist Narendra Dev Jayaprakash Narayan Achyut Patwardhan ko Congress working committees ka bhi member banaya, matlab Jawaharlal Nehru support karte the already, like Jawaharlal Nehru aur even Subhash Chandra Bose support karte the, lekin kabhi unhone formally join nahi kiya, theek hai, jaise leftist the Subhash Chandra Bose and Jawaharlal Nehru, they were leftist, unhone allow kiya tha socialist ko Congress working committee ka member banne ke liye, Narendra Dev Jayaprakash Narayan Achyut Patwardhan, theek hai, ye INC ke favor mein nahi the, theek hai, लाइक ये क्या चाहते थे कि जो कंडीशनल सपोर्ट है सेकंड वर्ल्ड वॉर में मत दो। इन्होंने बोला कि भाई ये उन सोशल अच्छा ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन जो नेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस की जो 1934 में बनी थी इसके सपोर्ट दे रही थी, गलत हो जाएगा, ठीक है, इसने कंडीशनल सपोर्ट के लिए भी मना कर दिया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या बोला था कि
कि आप हमें तुरंत यू नो एक तरीके से आपको दे दो डोमिनेंट स्टेटस, तुरंत दे दो, तुरंत हमें पावर दे दो, हम आपको सपोर्ट कर देंगे. तो ये इसके फेवर में नहीं थी. उन्होंने बोला कि अच्छी अपॉर्चुनिटी इनको उखाड़ के फेंको. अभी सुभाष चंद्र बोस यही बोले थे, अपॉर्चुनिटी अच्छी उखाड़ के फेंको इनको यहाँ से. ठीक है, तो ये चाहते थे कि ठीक है ये चेंज चाहते थे सोसाइटी में ग्रेजुअली. ये बोलते थे रिफॉर्म्स आए, सोशली चेंज हो, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी तब तक नहीं आ सकती जब तक इकोनॉमिक इशू से नहीं डील करते. दोनों हिंदू मुस्लिम दोनों ही सफर कर रहे हैं, सोसाइटी बैकवर्ड है, तो पहले इकोनॉमिक इशू पर फोकस करो. तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे सोशलिस्ट कांग्रेस से. तो इनके व्यूज क्या थे याद रखना, एजेंडा क्या था. ओके, तो उन्होंने बोला कि हम इकोनॉमिक लाइफ को ठीक है जो भी होगी वो स्टेट प्लान करेगा. तो जैसे हमें प्लानिंग कमीशन आई थी, ठीक है, कहीं ना कहीं नेहरू के आइडिया है इसके. एंड ये बोलते थे स्टेट मोनोपोली होनी चाहिए फॉरन ट्रेड पे, कॉपरेटिव सोसाइटी पे, फॉर प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब वही मोनोपोली, स्टेट मोनोपोली थी वैसे भी, लाइसेंस राज था हर चीज में, गवर्नमेंट की से थी. तो प्रिंसिपल ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, वही लैंड रिफॉर्म्स, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड वो आया था, जैसे पीजेंट्स को देना चाहिए, और जो भी यू नो पीजेंट्स को यू नो जो भी कर्ज वर्कर को उनको माफ कर देना चाहिए, कर माफी सपोर्ट करते थे. और वर्कर्स को एंड पीजेंट को ऑर्गेनाइज करना चाहिए अपने इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए. ठीक है, वो खुद ही अपना यू नो मूवमेंट कैरी आउट करें. वही ट्रेड यूनियन को भी सपोर्ट कर रहे हैं, अपना ट्रेड यूनियन बनाए पीजेंट्स एंड वर्कर्स एंड अपनी डिमांड रखें. एंड ऑल इंडिया नेशनल सोशलिस्ट पार्टी आईएनसी का ही पार्ट था. ठीक है, इट वाज अ वाज फॉर्मड एज अ पार्ट एंड विंग ऑफ आईएनसी. बिल्कुल अलग नहीं था, बिकॉज एक बार सूरत स्प्लिट हो चुका था एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स में, दोनों ही देख लिया था. मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट के बिना कुछ नहीं थे, एंड मॉडरेट्स के बिना एक्सट्रीमिस्ट को तो यू नो ब्रिटिश ने धर धर के मारा था, सारे को इन्हें रिस्पेक्ट कर दिया था, जेल कर दी थी. तो इसलिए अब यहाँ पे हर विंग बनेगा ना वो कांग्रेस के अंदर ही बनेगा. इवन स्वराजिस्ट एंड नो चेंजर्स जो बने थे 1924 में, वो भी कांग्रेस के अंदर ही बने थे. याद है स्वराजिस्ट एंड नो चेंजर्स? नहीं याद है? स्वराजिस्ट एंड नो चेंजर्स, स्वराजिस्ट चाह रहे थे कि हमें काउंसिल में एंट्री मिले, नो चेंजर बोल रहे थे नहीं नहीं हम काउंसिल में एंट्री नहीं लेंगे, बिगड़ जाएंगे जाके अंदर. तो वो वहां पे भी कांग्रेस के विंग के अंदर ही स्वराजिस्ट पार्टी बनी थी अलग से. तो अलग से कभी भी ना कांग्रेस में दोबारा डिवीजन नहीं होने दिया लोगों ने. तो ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गांधी जी से अपोजिट थे, कम्युनिस्ट पार्टी से अपोजिट, तब भी ये कांग्रेस की विंग थी, आईएनसी की विंग थी. तो ये ठीक है स्पेशली ओके इट वाज व्हेन इट वाज ठीक है. तो ये बोलते थे कई जब ये बनी थी तो काफी कांग्रेस में जैसे स्वराजिस्ट थे, स्वराजिस्ट मतलब जो काउंसिल एंट्री में एंट्री चाहते थे, वो बोलते थे ये कांग्रेस को डिवाइड कर देगा. ठीक है, डिवाइड कर देगा आईएनसी को. स्वराजिस्ट एंड सोशलिस्ट थे, ठीक है, ओके बहुत सारी चीजों में अलग अलग थे. इवन स्वराजिस्ट एंड सोशलिस्ट की नहीं बनती थी ना, स्वराजिस्ट एंड गांधी की बनती थी ना, स्वराजिस्ट एंड कम्युनिस्ट पार्टी की बनती थी. तो ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखो, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इन्होंने बोला था, ठीक है, मिनिस्ट्री बनाएंगे. स्वराजिस्ट बोलते थे मिनिस्ट्री बनाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, सोशलिस्ट बोलते थे नहीं बनाएंगे. ठीक है, एंड ये किसान सभा ऑर्गेनाइज करते थे एंड इंडियन स्टेट्स में एजुटेशन को सपोर्ट करते थे, स्वराजिस्ट नहीं करते थे. तो काफी चीजों में डिफर करते थे स्वराजिस्ट एंड सोशलिस्ट. जैसे फिर जेपी नारायण एंड मीनू मसानी, ठीक है, इनको जेल से निकाल दिया था 1934. फिर ये थे हमारे राम ब्रिकेश बेनीपुरी एंड नारायण, ठीक है, उन्होंने मीटिंग की थी 1934 में, जहाँ पे बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को स्टैब्लिश किया गया था. एंड जेपी नारायण जनरल सेक्रेटरी बने थे एंड आचार्य नरेंद्र देव प्रेसिडेंट बने थे. ये क्वेश्चन आ सकते हैं बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब स्टैब्लिश गई थी, तो ये 1934 में. ओके, फिर इसको बिहार का नाम दिया, इसको हटा के कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कर दिया. इसके कौन जनरल सेक्रेटरी थे? जेपी नारायण, आचार्य नरेंद्र देव इसके प्रेसिडेंट थे. तो आचार्य नरेंद्र प्रेसिडेंट थे, जेपी नारायण वाज़ द जनरल सेक्रेटरी. एंड फिर बॉम्बे कॉन्फ्रेंस होती है 1934 में, फिर ऑल इंडिया पार्टी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनती है. ठीक है, पहले तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनती है, फिर इसी को ऑल इंडिया यू नो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कर देते हैं. इसमें जेपी नारायण जनरल सेक्रेटरी एंड मसानी ज्वाइंट सेक्रेटरी बनते हैं. एंड पहले कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव प्रेसिडेंट एंड जेपी नारायण जनरल सेक्रेटरी. तो नाम याद रखने कौन कौन इन्वॉल्व थे, आचार्य नरेंद्र देव, जेपी नारायण, ठीक है, मसानी, इन सबके नाम याद रखने, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे ये लोग. इनका क्या था? सोशलाइजेशन, कि हमें इंडस्ट्री इंश्योरेंस के जो भी है सोशलाइजेशन के थ्रू करना है. एंड सोशलाइजेशन भी सब कुछ गवर्नमेंट होगा एंड प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सचेंज मतलब गवर्नमेंट के थ्रू होगा. प्राइवेट प्रॉपर्टी को इंकरेज नहीं करते थे. ठीक है, इंकरेज करते थे कॉपरेटिव एंड कलेक्टिव फार्मिंग होनी चाहिए, सबको एक साथ मिलकर कलेक्टिव फार्मिंग होनी चाहिए, कॉपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग. एंड बॉम्बे सेशन ने काफी वर्कर्स एंड पीजेंट्स के लिए काफी ना प्रोग्राम अडॉप्ट किए, भाई सोशलिस्ट पॉलिसी लेके आएंगे. सोशलिस्ट मीन वेलफेयर ऑफ द यू नो डाउन टू रेंट. तो वर्कर्स की डिमांड ये बोलते थे कि ठीक है इनको ट्रेड यूनियन बनाने की आजादी होनी चाहिए, स्ट्राइक्स जाने की, लिविंग वेज होनी चाहिए. लिविंग वेज जैसे आर्टिकल 43 में भी है अपना. ठीक है, 40 आवर्स, एक वीक में 40 आवर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 40 घंटे से ज्यादा काम नहीं होना चाहिए. इंश्योरेंस सिकनेस हो जाए इंश्योरेंस मिलना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सीडेंट ओल्ड एज, मतलब वर्कर की बेनिफिट्स, उसकी बात कर रहे हैं बेनिफिट्स की.
पीजेंट्स की डिमांड थी लैंडलॉर्ड को अवॉइड, देख एक तो वर्कर की डिमांड रखी है ना, पीजेंट की डिमांड रखी कि लैंडलॉर्ड्स नहीं होने चाहिए, इसको अबॉलिश करना चाहिए, कॉर्पोरेट फार्मिंग होनी चाहिए, रेंट्स इनको छूट देनी चाहिए, अन इकोनॉमिक होल्डिंग पे टैक्सेस लगानी चाहिए, और फ्यूडल रिवाइज है ठीक है आप उसको खत्म कर देना चाहिए, इस तरीके से आप टैक्स लगाते हो। एंड उन्होंने बोला कि इंडिपेंडेंस तभी हो सकती है जब मासेस इन्वॉल्व हो, ठीक है, और वॉर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जैसे सुभाष चंद्र बोस भी बोलते थे वॉर को एज अपॉर्चुनिटी यूज करो उनको भगाने के लिए, तो मास रिवॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और क्यूट इंडिया मूवमेंट में जो सोशलिस्ट थे जैसे जेपी नारायण हो गए, आचार्य नरेंद्र देव को बहुत ज्यादा इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था सोशलिस्ट ने, ठीक है। अब पूसा, पूसा क्या है, बिहार में पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी थी पूसा बिहार में, ठीक है, फिर इसका नाम चेंज कर दिया था इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट 1919 में, ठीक है। पूसा बिहार में एक मेजर अर्थक्वेक आया था तो 1936 में पूसा को दिल्ली में शिफ्ट कर दिया था, तो पूसा जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है रिसर्च करती है, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है दिस एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए, आज भी रेलेवेंट है। 1936 में पहले बिहार में थी, ठीक है, उसको शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली में, तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन, पहले इसका नाम था पूसा, ठीक है, IARI, तो कहाँ पे है इसका, पूसा दिल्ली, तो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन 1905 में बनी थी, क्या 1905 में, 1990 में नाम चेंज कर दिया, 1990 में क्या नाम रखा था, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओके, एंड देन 1935 में इसे दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया 1935 में, क्योंकि पूसा बिहार में क्या आया था, अर्थक्वेक, एंड इसके अंडर, किसके अंडर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। फिर नाउ वी टॉक अबाउट गोपाल हरि देशमुख, हु वाज ही, एनीबडी नो, हेलो कैन यू हियर मी, फॉर देम I think एक मिनट से कम बचा, कल करें, और you wanna do more? Oh, Krishnamurti Krishnamurti I think is not there. Okay, Krishnamurti there.